वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरु व नऊजु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्लला व मन युदलिलहु फला हादियला। قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। खुदा याद आए जिनको देख कर वो नूर के पुतले, खुदा याद आए जिनको देख कर वो नूर के पुतले, नबुव्वत के ये वारिस हैं, यही हैं ज़िल्ले रहमानी, यही हैं जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर, यही हैं जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर, इन्हीं के इर्तिका पे नाज करती है मुसलमानी, इन्हीं की शान को ज़ेबा नबुव्वत की विरासत है, इन्हीं की शान को ज़ेबा नबुव्वत की विरासत है, इन्हीं का काम है दीनी मरासिम की निगहबानी। रहे दुनिया में और दुनिया से बिल्कुल ला ताल्लुक हों, रहे दुनिया में और दुनिया से बिल्कुल ला ताल्लुक हों, फिरे दरिया में और हरगज़ न कपड़ों को लगे पानी। अगर खलवत में बैठे हों तो जलवत का मज़ा आए, अगर खलवत में बैठे हों तो जलवत का मज़ा आए, जो आए अपनी जलवत में तो साकिन हो सुखंदानी। मौज़ सामीन, तीसरा सालाना उलमा इज्तमा मरकज़ अहल सुन्नत वल जमात 87 जुनूबी सरगोदा, आलमी इत्तेहाद अहल सुन्नत वल जमात की दावत पर आप हजरात की खिदमत में मैंने चंद बातें गोश गुजार करनी है। शेख मुकर्रम मुरब्बी व मुर्शिद हज़रत उस्ताद ज़िल मुकर्रम मौलाना मोहम्मद इलियास गुम्मन हफ़िज़हुल्लाह ताला ने मेरे ज़िम्मे जो मौजू लगाया है, हज़रत मौलाना कलीमुल्लाह साहब उसकी वजाहत फरमा चुके हैं। दीन इस्लाम के दिफा में उलमाए देवबंद ने क्या तसनीफ़ी खिदमात सर अंजाम दी हैं। मेरे भाइयों, दीन की हिफाजत करना ये हर मुसलमान की बकदर इस्तेतात ज़रूरत है, दीन की हिफाजत करना ये हमारे ज़िम्मे है, उलमाए कराम के ज़िम्मे ये ड्यूटी थोड़ी सी बढ़कर है, इसमें उनके फ़राइज़ थोड़े से ज़्यादा हैं और ये शुरू से लेकर आज तक चल रहा है। मैं तमहीदन एक बात कहूँ, आज से 1400 साल पहले अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वक्त को देखें जब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के दूसरे साहबजादा का इंतकाल होता है, तो मक्का के काफिर खुश होते नज़र आते हैं, मसरत का समा नज़र आता है। उनमें उकबा बिन अबी मुईद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ताना देता है, जिसके जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरत कौसर नाजिल करके फरमाते हैं, इन्ना शानिया का हुवल अबतर, ये तेरे बेटे की वफात पे खुशी कर रहे हैं कि तेरा दीन फैलेगा नहीं बल्कि ये दुश्मन नहीं फैलेगा, ये दीन फैलने के लिए आया है, ये दीन हर कच्चे और पक्के घर में दाखिल होने के लिए आया है, रुकने के लिए नहीं आया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीनी मेहनत की इब्तिदा फरमाते हैं, फारान की चोटी पे खड़े होकर कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देते हैं, तो आलम फलक ने अपनी नज़र में देखा कि जिसका हाथ सबसे पहले ज़मीन पे गया है रद्द करने के लिए, जो सबसे पहले आगे बढ़ा है वो कोई और नहीं रसूलुल्लाह का सखा चचा है, नीचे से पत्थर उठा के कहने लगा,
तब्बल्लक या मोहम्मद अलिहाजा जमातना। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के खिलाफ गुस्ताखी करके कहने लगा, आपने इसलिए बुलाया खुदा करे आपके हाथों को तकलीफ पहुंचे। अल्लाह पाक ने तब्बत यदा अबी लहब व तब कहकर अबू लहब को जवाब दिया है। इसीलिए तो इकबाल ने कहा है, सतेजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, चराग मुस्तफवी से शरारे बूलहबी। अबू लहब के शरारे, अबू लहब की आग की चिंगारियाँ हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के दीन असली के चराग को बुझाने के लिए, दीन असली के चराग को ख़त्म करने के लिए उस वक्त से कोशिशें शुरू कर चुके हैं। उलमाए देवबंद भी उन्हीं अहले हक के तबके में एक गिरोह हैं। ये अहले सुन्नत वल जमात के हकीकी मिसदाक हैं। इन लोगों ने भी एक एक मामले पर दीन की हिफाजत की है, दीन के दिफा का काम और फरीजा सर अंजाम दिया है। उलमाए देवबंद ने दामे दिर में कदरे सुखने जुबान से भी अहले बातिल की तरदीद की है, कलम से भी अहले बातिल के लिए रास्ता नहीं छोड़ा। कलम के लिए अगर उठाने का वक्त आता है, उलमाए देवबंद में कोई ऐसा आलिम नहीं है, साबित नहीं किया जा सकता कि आहले बातिल ने सर उठाया हो। उलमाए देवबंद का परवरदा कोई आलिम खामोश रहा हो, ये नहीं नहीं ऐसा नहीं पेश किया जा सकता। हजरात उलमाए देवबंद भी जब अहल सुन्नत वल जमात के हकीकी वारिस हैं, उस वक्त भी दुश्मन ने वार किया, अहले हक ने उठकर उसका जवाब दिया। उलमाए देवबंद ने भी उसी तरह जवाब दिया है और तसनीफ की खिदमत, तसनीफ करने का तसव्वुर बुखारी जिल्द अव्वल किताबुल इल्म से हमें नजर आता है। जब रसूलुल्लाह अबू शाह के लिए फरमाते हैं उक्तबू लि अबी शाह, इससे तसव्वुर मिला कि बंदा अहले बातिल के खिलाफ कलमी काम कर सकता है। अगर अहले बातिल इस मैदान में आए तो उसका जवाब दिया जा सकता है। मैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन बानी दारुल उलूम देवबंद हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी, जिसको मैं गोया आसान अल्फाज में कहूँ इमाम कासिम रहमहुल्ला को बतौर दलील पेश करने लगा हूँ। हजरत इमाम कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह ताला अलैह दारुल उलूम देवबंद के बानी हैं। अहले बातिल में जो भी हजरत ननोतवी के सामने आता है या दीन इस्लाम के लिए निकलता है, हजरत नानोतवी का कलम हरकत में आया, उन्हें जवाब मिला। मैं देखता हूं अगर शियत मैदान में आती है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के विरासत पे बात करने के लिए मुसलमानों को गोया एक वक्त के लिए मैदान तंग नजर आता है। राफिजियत कलमी तौर पे ताबड़तोड़ हमले कर रही है, नई नबुव्वत की विरासत है ये खलाफाए सलासा खा गए हैं। हजरत फातिमा को हक नहीं मिला, फिदक का मामला, फिदक की जमीन दे देनी चाहिए। हजरत नानोतवी आबे हयात लिख के इस फितने का कला कमा करते हैं, हदीयत शिया लिख के इस फितने का कला कमा करते हैं, अजवीबा अरबईन लिख के इस फितने का कला कमा करते हैं। शेख नानोतवी के बाद यह सिलसिला रुकता नहीं है। हजरत गंगोही का दौर है, हदायत रशीद लिखकर हजरत गंगोही ने इस फितने का कला कमा किया है। राफिजियत फिर नहीं रुकी, मैदान में आई है तो मुर्शिद उलमा खुसूसन हजरत ज़करिया के मुर्शिद अल्लामा खलील अहमद सहारनपुरी का दौर है, मित्रकतुल करामा अला मिरातुल इमामा लिखकर इन्हें जवाब दिया जाता है। हिदायतुर रशीद इला इफहामिल अनीद लिखकर हजरत सहारनपुरी जवाब देते हैं, वो इस मामले में इनसे पीछे नहीं रहते। उलमाए देवबंद में अगर आप देखते चले जाएं, हजरत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बाद अगर राफिजियत ने हजरत थानवी रहमहुल्ला के दौर में सर उठाया है, तो हजरत थानवी रहमहुल्ला ने अल हुज्जतुल बहाइया अला अल हुज्जतुन नहाइया अला महजतुल बहाइया लिख के इस फितने का कला कमा किया है। उस्तादुल मुनाजरीन हजरत मौलाना अब्दुल शकूर लखनवी, अल्लाह इनकी कबर पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, उनका दौर है लखनऊ की जमीन को शियत अगर दलाइल की दुनिया में आकर गर्म करना चाहती है। हजरत लखनवी रहमहुल्ला ने फितना इब्ने सबा लिख के इस फितने का कला कमा किया है।
है। और इसी तरह तारीख मजहब शीजा लिख के इस फितने का कला कमा किया है, तोहफे खिलाफत लिख के इस फितने का कला कमा किया है। और हजरत मौलाना मंजूर अहमद नौमानी रहमतुल्लाह अलैह को देखिए तो हजरत नौमानी भी इस फील्ड में पीछे नजर नहीं आते। अस्सौरतुल ईरानिया फी मीज़ानिल इस्लाम लिख के इस फितने का कला कमा करते हैं। अगर बाकियों को छोड़िए असर हाजिर पे आ जाइए तो मैं असर हाजिर में भी उलमाए देवबंद को इस मैदान में तन्हा, उलमाए देवबंद ने उम्मत को इस मैदान में तन्हा नहीं छोड़ा बल्कि दलाइल की दुनिया में इसराफ इज्जत का रद्द किया है। इमाम अहले सुन्नत वल जमात शेखुल हदीस व तफसीर हजरत मौला सरफराज खान सफदर नव्वरल्लाह मरकदहू को एक फौजी ने खत लिखा, हजरत राफिजियत पे आपका कलम भी चलना चाहिए, आपकी बातों को लोग पढ़ते हैं। हजरत ने उसकी जवाब में इरशादुश्शिया लिखी है। काजी मजर हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह को देखें तो बिशारतुद्दारैन बिस्सबर अला शहादतुल हुसैन लिखी है। सुन्नी मजहब हक है, इसको तहरीर लिखा है, इसको तहरीर में लाए हैं। हम मातम क्यों नहीं करते, इसे तहरीर में लाए हैं। हजरत मौलाना अब्दुस्सत्तार तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बुतलाने मजहब शिया लिखते नजर आते हैं। हजरत मौलाना यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह 1100 दारुल इफ्ता से फतवा लेकर बयानात का खुसूसी एडिशन शाया करते नजर आते हैं। फाजिले दारुलूम देवबंद हजरत मौलाना मोहम्मद नाफे दामत बरकातुमुल आलिया रहमा उबैनों में लिखते हैं, फवायद नाफे लिखते हैं, हदीस सकलैन लिखते हैं। हजरत अल्लामा खालिद महमूद PhD लंदन दामत फयूजहुम अकबात लिखते नजर आते हैं, तजल्लिया ताब लिखते नजर आते हैं। मेरे भाइयों सिर्फ ये एक बात नहीं है, कुछ अकाबिर नहीं है, एक मुकम्मल लिस्ट है। मैंने सिर्फ 10 बंदों का इंतखाब करके आपकी झोली में रखे हैं, लेकिन कोई और फितना अगर सर उठाए तो उसके जवाब में भी उलमाए देवबंद नबरदाज मां नजर आते हैं, क्योंकि देवबंदी ये दीन की नजरियाती सरहदात के मुहाफिज हैं। नजरियाती सरहद पे हमला होगा तो हिफाजत करेंगे। उलमाए देवबंद ने रजा खानियत को देखा, जब फितने रजा खानियत उरूज पे आकर उलमाए देवबंद का मुकाबला अहले सुन्नत वल जमात का मुकाबला करने के लिए आ जाता है, फाजले बरेलवी ने झूठ का सफर किया है, मक्का मुकरमा में पहुंचा है, उलमाए नजद को, उलमाए हरमैन को, उलमाए हिजाज के सामने झूठ पे झूठ बोलना शुरू कर दिया है। मिर्जा कादियानी अलैहि लानत की झूठी तहरीरें उठाकर हजरत नानोतवी के सरमारी, वो फतवा झूठा था। हजरत गंगोही के सरमारी अब्दुल समीर रामपुरी के लफ्ज थे। हजरत सहारनपुरी के सरमारे हजरत थानवी रहमहुल्ला की इबारत का गलत मकसद पेश किया, तौजीहुल कौल बिमाला यर्ज़ा बिही काहिलहु का मिसदाक बन के एक फतवा मुरत्तब किया है, उसका नाम हुसामुल हरमैन अलल मनहरिल कुफ्र वल मैन रखा है। तो उलमाए देवबंद भी खामोश नहीं रहे, हजरत शेखुल हिंद भी अभी दुनिया में मौजूद हैं। हजरत शेखुल हिंद के हुक्म से हजरत सहारनपुरी रहमहुल्ला ने तहरीर लिखी है, जिसका नाम अत्तस्दीकात लिदफ़ तलबी सात है। अल मुहन्नत अल मुफन्नत उर्फ़ आम में उसे जाना और पहचाना जाता है। उलमाए देवबंद ने तसनीफी खिदमत में यहां पर बस नहीं की, बल्कि हजरत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी ने हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही के हुक्म से बराहीन कातिया लिख के इस फितने का कला कमा किया है। और अल मुहन्नत अल मुफन्नत ये उलमाए देवबंद की अकायद के मामले में पहली इजमाई दस्तावेज है, जिस पे हजरत शेखुल हिंद भी तस्दीक करते नजर आते हैं। हजरत सहारनपुरी तो खुद मुअल्लिफ हैं, हजरत थानवी रहमहुल्ला के ऊपर दस्तखत हैं, हाजी अब्दुल वहाब के शेखुल शेख हजरत शाह अब्दुल रहीम रायपुरी दस्तखत करते नजर आते हैं, हजरत कारी तैयब साहब के वालिद मौला अहमद दानोतवी हजरत नानोतवी के फरजंद अर्जुमन तस्दीक करते नजर आते हैं, मौला अजीजुर रहमान उस्मानी साहेब अजीजुल फतावा तस्दीक करते नजर आते हैं। उलमाए देवबंद ने यहीं पर बस नहीं की, बल्कि मौलवी इस्माइल मुरादाबादी उठता है, वो उठकर अपना कलम रजा खानियत के हक में वक्फ करता है, तो मौलाना देवबंदी हजरत शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी रहमहुल्ला के कलम को जोश आता है। जहदुल मुकिल अंतन जहदुल
المقل في تنزيه المعز والمذل لہتر رضا خانیت کا کلا کما کرتے ہیں شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے سامنے فاضل بریلوی کے جوٹ کو لایا جاتا ہے تو الشہاب الثاقب علی المستریق القاذب لکھ کر اس فتنے کا کلا کما کرتے ہیں حضرت مولانا مرتضی حسن چاندپوری حضرت حکیم الامت مجدد الملت شاہ اشرف علی تھانوی کے خلیفہ مجاز ہیں یہ لکھتے رسائل چاندپوری ان کی دیکھ لیجئے الکوکب الیمانی علی اولاد الزمانی لکھ کر اس فتنے کا کلا کما کیا رسائل چاندپوری مکمل آ چکی ہے فاضل بریلوی کا فسق حضرت شیخ الہند کے سامنے نظر آتا ہے مطالعہ شیخ الہند کے نام سے حضرت شیخ الہند کی کتاب چھپ چکی شیخ الہند کے بارے میں کتاب چھپ چکی ہے انہیں فاضل بریلویہ کو جو خط لکھا تھا مناظرے کا چیلنج کہ تو ہمارے بزرگوں کو کافر کہتا ہے آ تو مجھ سے دو دو ہاتھ کر لے علمی معاملے میں میدان میں آ اس کا کلا کما کیا وہ سامنے نہ آ سکا اس کے علاوہ حضرت مولانا منظور احمد نعمانی بوارق الغیب لکھتے نظر آتے ہیں علماء دیوبند نے اس پہ کام کیا ہے عصر حاضر میں امام اہل سنت والجماعت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر نور اللہ مرکزہ نے ازالت الغیب لکھی ہے راہ سنت لکھی ہے راہ ہدایت لکھی ہے تسکین الخواتر لکھی ہے دل کا سرور لکھا ہے گلدستہ توحید لکھا ہے علماء دیوبند نے بھی اس معاملے کو تنہا نہیں چھوڑا میرے بھائیو یاد رکھو اگر مودودیت کا فتنہ علماء دیوبند کا مقابلہ کرتے اہل سنت والجماعت کے عقائد پہ ہاتھ صاف کرتے نظر آتا ہے شیخ الحدیث دنیا میں پہلا لقب اسلامی شیخ الحدیث کا لقب جنہیں ملا ہے مولانا زکریہ کاندلوی نظر آتے ہیں فتنہ مودودیت لکھ کر اس فتنے کا کلا کما کرتے ہیں اور حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ الاستاذ المودودی وافکارہ لکھ کے اس فتنے کا کلا کما کرتے ہیں قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ علمی محاسبہ لکھ کے اس فتنے کا کلا کما کرتے ہیں اگر مودودی خلافت و ملوکیت لکھ کے صحابہ کرام پہ بنو امیہ جیسے عظیم خاندان پہ جس سے رسول اللہ نے رشتہ کیا بھی ہے رشتہ لیا بھی ہے اتنے عظیم خاندان پہ مودودی ہاتھ صاف کرتا ہے تو مفتی شفیع رحمہ اللہ مقام صحابہ لکھ کے فتنے کا کلا کما کرتے ہیں مولانا محمد تقی عثمانی حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق لکھ کے اس فتنے کا کلا کما کرتے ہیں بلکہ میرے بھائیو یہی پر بس نہیں ہے فتنہ غیر مقلدیت دنیا کا فتنہ نمبر ون ترک تقلید کا فتنہ مرزا قادیانی کا سابقہ مذہب علماء اہل سنت والجماعت کو اگر میدان تحریر میں چیلنج کرتے نظر آتا ہے پھر حضرت نانوتوی بھی خاموش نہیں ہے توفیق الکلام لکھتے ہیں الدلیل المحکم لکھتے ہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی بھی خاموش نہیں ہے سبیل الرشاد لکھتے ہیں حضرت گنگوہی اوسط الارا لکھتے ہیں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی زندگی ہے حضرت نانوتوی بھی موجود ہیں غیر مقلدیت نے کتاب لکھی ہے غیر مقلدیت نے اشتہار چھاپا ہے اشتہار میں کہا حنفیو غیرت مند ہو حنفیو جرت ہے تو ہمیں جواب دو شیخ الہند نے جواب دیا ہے ایک ایک معاملے پہ علماء دیوبند موجود ہیں بلکہ اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو ایک بات کہہ سکتا ہوں حضرت نانوتوی کو اشاعت السنہ کا رسالہ ملا محمد حسین بٹالوی انگریز کا ٹاؤٹ جس نے الاقتصاد فی مسائل الجہاد لکھ کے انگریز سے پیسے بٹورے اپنا نام الاٹ کروایا اس نے چیلنج کیا ہے علماء دیوبند سوالوں کے جواب دیں حضرت نانوتوی کے حکم پہ شیخ الہند نے جواب لکھا ہے ادلہ کاملہ پوری دنیا غیر مقلدیت میں جرت نہیں ہے جواب لکھ سکے ایک سال شیخ الہند نے انتظار کیا شیخ جواب لکھے ایک کے پاؤں پکڑے کرائے کا مصنف لیا اس کے آگے پیچھے ہوئے اور اس کی منتیں تلے کر کے مفتاح الادلہ کہہ کر اس کا جواب دیا ہے ہم نے کہا جواب نہیں ہے یہ ادلہ کاملہ کو مفتاح لگی ہے یہ مزید کھلے گی شیخ الہند نے فرمایا میں نے تو سوچا تھا جس مصنف کو میں نے جواب دیا ہے بٹالوی جواب دے گا لیکن بٹالوی نے نہیں دیا چلو اس نے اس کی تائید کی ہے مفتاح الادلہ کے جواب میں ازاح الادلہ لکھ کے ان کا منہ بند کیا ہے
हजरत शेख उल हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह के बाद हजरत मौलाना हकीम उल उम्मत मुजद्दुल मिल्लत शाह हकीम अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह अल इक्तसाद फी बहसत तकलीद वल इज्तिहाद लिख के गैर मुकल्लदीन का कला कमा करते हैं। हजरत कश्मीरी ने बस्तुल यदैन भी लिखी है, नैनुल फरकदैन भी लिखी है, कशफ सतर भी लिखी है, फसल खिताब भी लिखी है, लिखकर इनको जवाब दिया है। हजरत मौलाना मोहम्मद जकरिया कांदलवी भी गैर मुकल्लदियत के खिलाफ खामोश नहीं रहे, जुज़ुमा क़ाल अल मुहद्दिसून फिल इमामी अबी हनीफा लिखकर इनको जवाब दिया है। इमाम अहले सुन्नत शेख सरफराज की तो क्या बात है, इन्होंने हर पाक पे कलम उठाया है, अहसनुल कलाम भी लिखी है और इसी तरह अल कलामुल मुफीद फी इस्बात तकलीद भी लिखी है। मेरे भाइयों, अगर ममातियत का फितना सर उठाता है, 1957 है खैरुल मदारिस मुल्तान का सालाना जलसा है, साबका देवबंदी मौलाना इनायतुल्लाह शाह गुजराती वहां पर रोड़े अटकाने के लिए बात करते हैं, तो उलमाए देवबंद ने वक्ती तौर पे अल मुहन्नत दिखा के फितने को खामोश कराना चाहा, लेकिन फितना फितना होता है, खामोश न हुआ, उठने लगा, पूरे पाकिस्तान में फैल गया। आखिर इसके उस्ताद कारी मोहम्मद तैयब कासमी रहमहुल्ला को बुलाकर फैसला करवाया गया। दो जय्यद बुजुर्ग वापस आए, उन्होंने रुजू कर लिया, मौलाना गुलामुल्ला खान भी वापस आए, काजी नूर मोहम्मद भी वापस आए, लेकिन इनायतुल्ला शाह का तबका इस फितने को फैला रहा है, इनकारे हयात में पेश पेश है। वो मसाइल जो उलमा की हद तक थे, सहाबा में अख्तलाफी थे, जैसे सिमाए मौता उनको अवाम में उछाल दिया गया है, फिर लोग समझते हैं जैसे सिमाए मौता में इख्तलाफ है वैसे सिमाए अंबिया में इख्तलाफ है, जैसे आम मुर्दे के सुनने में फड्डा है वैसे नबी का सिमा भी इख्तलाफी होगा। उलमाए देवबंद ने इस फितने का कला कमा करने के लिए हजरत मौलाना यूसुफ बिन नूरी जमा होते हैं, अहमद अली लाहौरी जमा होते हैं, हजरत मौलाना खैर मोहम्मद जलंधरी जमा होते हैं, हजरत मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी आते हैं और उसके बाद एक किताब लिखी जाती है। आप तस्कीन सुदूर उठाइए, सफा 36 को खोल के देखिए, कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते नजर आते हैं कि जमीयत उलमाए इस्लाम मगरबी का फैसला था, हमने एक किताब लिखवाई है, तस्कीन सुदूर लिखी है, तस्कीन सुदूर लिख के इस फितने का कला कमा किया। तो इस फितने के कला कमा करने वाली किताब के ऊपर तस्दीक मैं नहीं, आप उठा के देख लीजिए, मैं नहीं कहता, मुफ्ती महमूद रहमहुल्ला के जलालैन के उस्ताद हजरत मौलाना फखरुद्दीन इमरोही रहमहुल्ला तस्दीक करते नजर आते हैं, इनायतुल्लाह शाह गुजराती के उस्ताद मुफ्ती मेहदी हसन शाहजहानपुरी तस्दीक करते नजर आते हैं, मुहद्दिस जलील अल्लामा यूसुफ बिन नूरी तस्दीक करते नजर आते हैं। 40 साल तक उलमाए देवबंद के दारुल उलूम पे मोतमिम रहने वाली शख्सियत कारी मोहम्मद तैयब कासमी नजर आते हैं। महामोतमिम दारुल उलूम देवबंद हजरत मौलाना हबीबुर रहमान आजमी दस्तखत करते नजर आते हैं। मुफ्ती आजम पाकिस्तान मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी दस्तखत करते नजर आते हैं। हजरत ख्वाजा खाजगान ख्वाजा खान मोहम्मद रहमहुल्ला दस्तखत करते नजर आते हैं। मौलाना हक नवाज शहीद के उस्ताद मौलाना दोस्त मोहम्मद कुरैशी दस्तखत करते नजर आते हैं। हाफिजुल हदीस हजरत मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती दस्तखत करते नजर आते हैं। मौलाना तारिक जमील दामत फयूज़ुहम के शेख उल शेख मौलाना खैर मोहम्मद जलंधरी दस्तखत करते नजर आते हैं। मौलाना नजीरुल्लाह खान मौलाना गुलबाग शाह ने भी इस पे दस्तखत किए हैं। अल मुहद्दिसुन नाकिद अल्लामा ज़फर अहमद उस्मानी ने भी इस पे दस्तखत किए हैं। हजरत मौलाना रसूल खान हजारवी ने भी उस पे तस्दीकी बात लिख दी है और इसी तरह मौलाना मुफ्ती महमूद ने भी इसको लिखवा के आम करवा दिया है। ममातियत के फितने को भी उलमाए देवबंद ने जवाब दिया है। एक एक मामले पे बस नहीं है मेरे भाइयों, वो तसलसल चला है, वहां से चला है उलमाए देवबंद के इस काम को संभालने के लिए। जहां और उलमाए देवबंद मैदान में है, मैं वहां कहने में कोई बात नहीं समझता, वहां कहने में कोई डर नहीं समझता। मेरे कायद हमारे मुर्शिद हमारे उस्ताद मोहतरम मुतकल्लिम इस्लाम जिसको अल्लाह ने सहाफत की मैदान में भी एक रुतबा अता फरमाया है, जिहाद के मैदान का गाजी बनाया है, तसव्वुफ के मैदान का मुख्तलिफ सलासिल अरबा का खलीफा मजाज और पीर बनाया है और इसी तरह मुनाजिर आजम तो उनके साथ है, खिताबत के मैदान में लासानी है, उनके मुकाबले का कोई नहीं है। मेरे भाइयों, जिनको मदनी और थानवी दोनों सिलसिलों से खिलाफत नजर आती है,
उन्होंने भी इस मैदान को संभाला है, इस मैदान को छोड़ा नहीं है, शियत मैदान में आई है। अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास गुम्मन दामत फयूज़हुम आलिया ने पुष्ट पनाही करके फितना शियत के लिए तहरीरात लिखवाई है। तारीख शियत मैदान में आ चुकी है। शेख ने कीमती जर खर्च करके इसको पांजरे आम पिलाया है। तारीख शियत दो जिल्दों में हैदरिया से छप चुकी है, शेख की मेहनत से आया है। अल्लामा ज़ियाउर रहमान फारूकी नव्वरल्लाहु मरकज़हु ने तारीखी दस्तावेज लिखी थी। अहले बातिल मैदान में आया, जवाब दिया, लेकिन फारूकी की शहादत को साल गुजर गए हैं, बल्कि मैं यूं कहूं 97 में शहीद हुए, 2007 10 साल हुए, 3 वो और 4 ये तकरीबन 17 साल बने हैं, जवाब ना आया। हजरत उस्ताजी गुम्मन साहब की मेहनत से एक नहीं, तहकीकी दस्तावेज जो उसके मुकाबले में थी, दो जवाब आए हैं। हकीकी दस्तावेज फी रद्दे, तहकीकी दस्तावेज फी ताईदे, तारीखी दस्तावेज मैदान में आई है, आपके हाथों में पहुंची है। ईमानी दस्तावेज उस्ताद जी के कौशल से मैदान में आई है, इस फिरका को भी नहीं छोड़ा। अगर रजा खानियत अपने अकाबर के तर्ज अमल पे अमल कहते हुए मैदान में आया है, उस्ताद जी गुम्मन साहब ने भी इस फिरके को नहीं छोड़ा। फिरका बरेलवियत पाक हिंद का तहकीकी जायजा लिख के इन्हें भी जवाब दिया है, गैर मुकल्लदियत आई है। फिरका अहले हदीस पाक हिंद का तहकीकी जायजा लिख के इसे भी जवाब दिया है। उस्ताद जी गुम्मन साहब ने इस पर बस नहीं की, अगर ममातियत मैदान में आई है, फिरका ममातियत का तहकीकी जायजा लिखकर इसको भी साथ लाए हैं। मेरे भाइयों, इसका भी जवाब दिया है। फिरका जमातुल मुस्लिमीन का तहकीकी जायजा उस्ताद जी ने लिख दिया है। फिरका गामदिया का तहकीकी जायजा आने वाला है। फजाइल अमाल पे उम्मत के गैर मुकल्लदियत ने एतराज करना शुरू किए हैं। फजाइल अमाल पे उस्ताद जी गुम्मन साहब ने फजाइल अमाल पे एतराजात का इल्मी जायजा लिख के इस फितने का भी मुंह बंद किया है। अल मोहम्मद पे तालिबुर रहमान ने हाथ नहीं, हाथ तो बड़ी बात है, उंगलियां और नाखून साफ करने शुरू किए हैं। उस्ताद जी गुम्मन साहब ने अल मोहम्मद पे एतराजात का इल्मी जायजा लिख के काम कर दिया है। कंजुल ईमान फाजिल बरेलवी और इसके एक शागिर्द का 50-50 होकर तर्जमा और तफसीर आया है। उस्ताद जी गुम्मन साहब ने कंजुल ईमान का तहकीकी जायजा लिख के मैदान में उम्मत को दलाइल दिए हैं। अगर इसी तरह रजा खानियत दोबारा आए और आसान अल्फाज में उन्हें अकायद की वजाहत मिले, मा कबल किताबों की तर्जुमानी मिले, तो हुसामुल अरमैन का तहकीकी जायजा लिख के उस्ताद जी गुम्मन साहब ने इस फिरके का मुंह भी बंद किया है। अल हुदा इंटरनेशनल उरूज बिल फुरूज के उसूल को सामने रख के औरतों को सामने लाई है। उस्ताद जी गुम्मन साहब ने इस पे काम शुरू कर दिया है। फिरका अल हुदा इंटरनेशनल का तहकीकी जायजा अभी आने ही लगा है। उस्ताद जी गुम्मन साहब ने इन तमाम कामों को संभाला। अगर सैफियों ने करंट के ऊपर नाच के इबादत को नाच में बदला है, तो पाकिस्तान में बल्कि इसके ऊपर सबसे पहली किताब जो उर्दू में आई है, फिरका सैफिया का तहकीकी जायजा, ये तमाम सेवा उस्ताद जी के सर पे जाता है। एक एक मामले पे हमारे उस्ताद जी मोहतरम ने तसनीफी खिदमात जो अलामा देवबंद ने पहले चलाया है, उसी के तसलसल को लेकर आगे चले हैं। याद रखना, इन आदतिल अकरब वदना लहा वकानत नालहु हाजिरु, पांव में जूतियां दो होती हैं, एक जूती लगने से बिच्छू जख्मी हुआ, अगर पलट के आया तो दूसरी जूती भी मौजूद होगी। किसी को जरूरत हुई उस्ताद जी गुम्मन साहब की किताब के मुकाबले में आए, तो हम जवाब का हक महफूज रखते हैं। यह सिलसिला चलता चला जाएगा। दलाइल की दुनिया में जहां उलमा ने काम सरंजाम दिया है, हमने इसी काम को लेकर, यह मरकज आलो सुन्नत वल जमात उसी काम को लेकर चला है, आलमी इत्तेहाद आलो सुन्नत वल जमात उसी काम को लेकर चली है। मेरे भाइयों, वही बात ध्यान में रखना, रसूलुल्लाह ने तबलीग का आगाज किया, अबू लहब ने पत्थर उठाकर मारा, तो सतेजा कार अजल से ता इमरोज, अजल से लेकर आज तक अगर यह फितना हमारे मुकाबले में आएगा, चराग मुस्तफी से शरारे बुलाबी के लिए ये तकलीफ देने आएंगे, तो रसूलुल्लाह के रूहानी फर्जन जिंदा हैं, जिस मैदान में आएंगे उसी मैदान में इन्हें जवाब मिला है। तसनीफी मुकाबले में बातिल आया तो आले हक भी आया है। अल्लाह पाक आपको और हमें इन आलात की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और इनके उलूम को फैलाने की तौफीक अता फरमाए, इन्हीं के उलूम से मुतमत्ते होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।